चंदा कैसे सुनने वाले सभी साहेबान सज्जनों को पंडित रामोतार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं की मांग पर मैं चंदा कैसेट के माध्यम से बागपत का माया त्यागी कांड भाग नंबर 3 पेश करने जा रहा हूं, जिसके लेखक हैं गुरु धर्मवीर सिंह पावला निवासी। मेरे मेहरबानों, यह बागपत कांड 18 जून 1980 की दुखद घटना है और आज मैं आपको बता दूं कि जब माया का यह केस मेरठ में जज श्री फूल सिंह की अदालत में चल रहा था, उस समय जो गरीब किसानों के मसीहा थे, हमारे देश के सच्चे नेता थे श्री चौधरी चरण सिंह, बागपत में एक विशाल रैली करते हैं किसानों की और मजदूरों की, क्योंकि उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में यह दुखद घटना हुई थी। मेरे मेहरबानों, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत का कानून इतना अंधा है कि आज इस केस को 8 साल हो गए और अब तक माया के केस की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अपनी एक बात के माध्यम से सबको संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। अरे जागे उठो मजदूर किसानों, भारत के बच्चे नौजवानों, हो रे मत ना करियो देर फेर पा छे पछता हैं।
रक्षक ही खुद भक्षक बन गए। भारत का मुश्किल उद्धार जीने में न रहे मरण में रे, इतने बढ़ गए अत्याचार। अरे डब्बालियों नहावे बागपत की बात बन बेजोड़े गई, दिल्ली में अंधों की खोपड़ी हीरे लाठियों से तोड़े दही, भागलपुर की जेल आखरे कैदियों की फोड़े दही। और दौड़े गई एक लहर देश में भारी पड़े रे देश में, हो रे सारे बनो क्यों शेर फेर पाँव से पछतावोंगे रे 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 रे। और तीसरी कली में क्या कहने लगे, ओए जब हो फसल हाँ भाई जब हो फसल हमारे घर में रे, सब चीजा के दाम बढ़ जा, माल विदेशों को नहीं जागा, जो गर्द्या के सब राह घिर जा, थोड़े दिन के बाद नहीं के रे दाम फिर चौगने फिर जा। जमाखोर है जमाखोर बेईमान लालची मजे उड़ा रहे लाला लोग, मेहनत जज्बू का मरता है सृष्टि का ऐसा संयोग, जलन ईर्ष्या बुरी रे बीमारी अहंकार का भारी रोग। अरे भोग भोग रहे सुख धन वाले, निर्धन को तो रोटी के लाले, हो मचा भारत में अंधेर फेर पाम छे पछता हो गे रे 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 रे। और आखिर में याद करते हैं उन सबूतों को, उन देशभक्तों को जिनके दम पे हमने आजादी पाई है, क्या कहने लगे, तेरे जात पात का भेद मिटा तेरे इंकलाब का भावे जगा दो, भाई भाई सब मेहनत कस मिलकर एक आवाज लगा दो, हके खातर लड़ो रे जुल्म की जंजीरों को तोड़ बगा दो। भाई के फल पाया आजादी का यूं ही बीत गए 52 साल, भारत माँ की खातर खप गए वीर सुभाष भगत जैसे लाल, के प्रताप राज के मालिक ये ठेकेदार बने चंडाल। अरे हाल हुआ बे हाल देश का, सेवक है सुख पाले देश का, हो रहा धर्म वीर नहीं तेर फेर पा
मेरे मेहरबानों, इधर जज श्री फूल सिंह ने अपनी कलम से लिखी सजा को बरकरार रखा, लेकिन उन सभी पुलिसकर्मियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जज श्री दीक्षित गौड़ की अदालत से स्टे ले लिया। अब तो इधर माया का केस जज श्री विष्णुदत्त दुबे बुलंदशहर की अदालत में सुनवाई के लिए आ गया। और जब माया को यह मालूम हुआ कि मेरे केस की सुनवाई बुलंदशहर में है, तो माया अपने जज से मिलती है। जज श्री फूल सिंह माया से कहते हैं कि बेटी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की करतूत है। किस प्रकार से माया को समझाते हैं और क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं श्लाघनी के माध्यम से। भूल मैं सोले उगा बैठा, आज पुण्य पाप का पाठ ले गया। अरे मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था माया, कोई अनसी पहुंच काट लेगा, कोई अनसी पहुंच काट लेगा। भूल मैं सोले उगा बैठा, आज पुण्य पाप पाठ लेगा। बिल्कुल ख्याल नहीं था माया, कोई अनसी पहुंच काट लेगा, अनसी पहुंच काट लेगा। क्या बात है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नहीं बात का ध्यान करा, नहीं बात का ध्यान करा। तेरा जो इंसाफ करे वो जिसने पैदा इंसान करा, तेरा साथी और हिमाती माया जा सच्चा भगवान करा, जा साची भगवान करा। बिल्कुल ख्याल नहीं थारी माया, कोई अनसी पहुंच काट लेगा, अनसी पहुंच काट लेगा। बात कहूंगा इस हिंद वतन की इज्जत का बने ताबेदार रहूंगा। मोह माया लालच स्वार्थ में बिल्कुल नहीं बहूंगा। बिल्कुल ख्याल नहीं थारी माया, कोई अनसी पहुंच काट लेगा, अनसी पहुंच काट लेगा। और तीसरी कली में क्या
कहने लगे ओए बिसियर बन के विश्वामित्र रे बिसियर बन विश्वामित्र ने रोहतास डस्या पापी ने सारी जिंदगी दुख है गा दिया तीर धसा पापी ने अपने आधीन केस दिया जगत हंसा पापी ने हो खोले से ना खुले देख ले वो इस दरिया की आट देगा बिल्कुल ख्याल नहीं था माया कोई अनसी पहुंची काट लेगा अनसी पहुंची काट लेगा लगा जवा पे ताड़े हो मुंह देखे कि सभी कहें घने लोग पेट के काले शर्म लिहाज नहीं जाने जो धन रिश्वत का खा ले धन रिश्वत का खा ले पर ताप कहे रे धर्म वीर आज सारे चेले छांट लेगा मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं थारी माया कोई अनसी पहुंची काट लेगा अनसी पहुंची काट लेगा भूल में सुन उगा बैठा आज पुण्य पाप ना पाट लेगा मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं थारी माया कोई अनसी पहुंची काट लेगा अनसी पहुंची काट लेगा मेरे प्रेमी श्रोताओं माया ने भरी हुई अदालत में एक सिंघनी की भांति ललकार से सभी को एक बात पूछती है कि मुझे बताओ आज राज्य में तानाशाही गुंडागर्दी महंगाई सरेआम सतियों का अपमान क्यों हो रहा है। भरी हुई अदालत में जज साहब और जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित थे सबकी नाड़ नीची हो जाती है और माया एक बात के माध्यम से उनको क्या बताती है आइए सुनते हैं इस रागनी के द्वारा। मैं उठा लो अपने अरे कानूनी किताब अरे मांगती हूँ आपसे मुझे कोई दे जवाब। हाथ में उठा लो अपने कानूनी किताब मैं मांगती हूँ से मुझे कोई दे जवाब। ओ त्रिकिट क्या कहने लगी अत्याचार क्यों बढ़े देश में पुलिस के जुल्म करनी है मन चाही
अरे महंगी मिले दवाई सस्ती, महंगी मिले दवाई सस्ती, मंदिरा और कबाब मांगती हूँ आपसे, मुझे कोई दे जवाब। कानून बनाने वालों को माया किस प्रकार से अदालत में लताड़ती है और क्या कहती है? शाबाश। अरे टेलीविजन प्रेशर कुकर फ्रिज पे दाम घटाए क्यों, खाद अनाज और चाय चीनी पे दाम ये बढ़ाए क्यों? ये गरीब किसान सताए क्यों, ये गरीब किसान सताए क्यों, ये कौन सा हिसाब? मैं मांगती हूँ आपसे, मुझे कोई दे जवाब। मेरे मेहरबानों, जज साहब से कहती है कि मैं आपसे पूछती हूं कि मेरे साथ जो बागपत में हुआ है, कि आज उसको आपका कानून भूल गया। मेरे जैसी कितनी ही माया इस भारतवर्ष में परेशान है, क्या करने लगी? शाबाश। अरे मेरे साथ जो हुआ बागपत रे, मेरे साथ जो हुआ बागपत उस बुरे कर्म ने भूल गए, बलात्कार की आंधी में झड़ चमन हिंद के फूल गए। ये इश्क नशे में रे 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 रे, इश्क नशे में टूले गए हुई मेरी दशा खराब। मैं मांगती हूँ आपसे, मुझे कोई दे जवाब। अरे कह प्रताप सुबेदार धीरज रे, कह प्रताप सुबे बोगेगा जैसा बीज बोलिया, देख देख के हाल माया का धर्मवीर भी रो लिया। अरे जनजीवन जन जीवन दारो दारे हो लिया, जन जीवन दारो दारे हो लिया, मेरे बिखर गए ख्वाब। मैं मांगती हूँ आपसे, मुझे कोई दे जवाब। हाथ में उठा लो अपने कानूनी किताब, मैं मांगती हूँ आपसे, मुझे कोई दे जवाब।
मेरे मेहरबानों, आज बुलंदशहर अदालत में माया के वकील मुआयना करने वाली डॉक्टर नीलम किस प्रकार से गवाह बचाव पक्ष के वकील मौजूद हैं, माया अपनी 8 साल पहली बीती हुई कहानी को बताती है जज साहब के सामने और क्या कहती है, आइए सुनाते हैं इस रागनी के माध्यम से। सुनिए, अरे ये अंधा कानून तुम्हारा, अंधी है थारी सरकार, हेरे नहीं मिला इने साफ अदालत, देख ली मैंने कई बार, ये अंधा कानून तुम्हारा, अंधी है थारी सरकार, नहीं मिला इने साफ अदालत, देख ली मैंने कई बार, ये अंधा कानून। न्याय भाव की कहवनिया कोई नहीं रहा भारत में, बनते हैं कानून यहाँ हर रोज राज भारत में, दी बेटी की कदर रही ना रही लिहाज भारत में, अरे होते गंदे काम यहाँ सरेआम ताज भारत में, यहाँ रे नारी का सम्मान रहया ना, नारी का सम्मान रहया ना, नहीं रहया सत्कार, नहीं मिला इंसाफ अदालत, मन देख ली कई बार, है अंधा कानून तुम्हारा। देवताओं की भूमि भारत देश है, यहाँ पर नारी का सम्मान होता था, ऋषि महात्मा सन्यासी राम नाम का राम रहीम का गुणगान करते थे और क्या कहने लगी इस कली में, ऋषि महात्मा हाँ, ऋषि महात्मा सन्यासी नित नेम तप्या करते थे, ले राम भजन तुलसी की रमाला हरि ओम जप्या करते थे, सतपुरुषों की सतबाणी के लेख छप्या करते थे, और लुच्चे गुंडे बेईमानों के पुण्य पाप नप्या करते थे, आज बिगड़ गया इतिहास देश हमारा, बिगड़ गया इतिहास देश हमारा, होलिया धारो धार, हेरे नहीं मिला इने साफ अदालत, देख ली मैंने कई बार, है अंधा कानून तुम्हारा। साल हो लिए मने में बरती फिरूं तवाई, नहीं सुनी फरियाद जखम की कौन मिली दवाई, और गाल दया की बीक चूंदड़ी थारे आगे आन फलाई, और जीवन की गई आसूट कहीं तोलियों कुआ खाई, अरे
लुटिया सुहाग मेरे सर से रे, लुटिया सुहाग मेरे सर से, ना रहा पति का प्यार नहीं मिला इंसाफ अदालत देख ली मैंने कई बार, है अंधा कानून तुम्हारा। धर्मवीर गमगीन खड़ा हुआ रंजगात में भारी, माया की लखसान हुआ था जलने नो से जारी, मिलना चाहिए इंसाफ आज रो रो के अर्ज गुजारी। सुखपाल कहे आज खड़ी अदालत एक भारत की नारी, अरे अधर्म छोड़े धर्म की गादे, अधर्म छोड़े धर्म की गादे, हिंद में राम उतार नहीं मिला इंसाफ अदालत देख ली मैंने कई बार, है अंधा कानून तुम्हारा अंधी है थारी सरकार, नहीं मिला इंसाफ अदालत देख ली मैंने कई बार, है अंधा कानून तुम्हारा। मेहरबानों जज साहब, जब माया का बयान सुनते हैं उनका पत्थर रूपी दिल पिघलकर मोम हो जाता है। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और किस प्रकार से नीचे नार करके एक बात के माध्यम से क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं इस रागनी के माध्यम से। ए रे जज साहब ने नाड़े झुका ली, माया के सुने रे बयान रे लगी आगे बदन में, भारत माँ के स्याही लादी आजाद गुलाम हो लिए, शेरों के सर नीचे रहोगे आज गंदे काम हो लिए,
पे जमी आसमान। Yeah।
प्रेमी श्रोताओ, डॉक्टर नीलम माया की गवाही देती है और कहती है कि मैं अपने बयान पहले भी दे चुकी हूँ। मैं अपनी गवाही का कुछ छुपा हुआ रहस्य और बताना चाहती हूँ, अर्थात भरी हुई अदालत में जज साहब के सामने डॉक्टर नीलम क्या कहने लगी, आइए सुनाते हैं इस रागनी में। हाँ कहूँ हाल आज मैं सारा, ऐसा जुलम कमाल देख के मैं जज साहब तंग होगी। माया का हाल देख के कहूँ हाल हकीकत सारा, ऐसा जुलम कमाल देख के मैं जज साहब तंग होगी। माया का हाल देख के और डॉक्टर नीलम पहली कली में जज साहब से क्या कहने लगी भला। मैं जज साहब तंग होगी, न्यू कहने लगी कि जब मैंने माया त्यागी का इलाज किया तो मेरी भी एक बार रूह कांप उठी। कैसे? जो कहनी थी मैंने कह दी, कोई बात छुपाई कौन, रंग बस्तर लाल लहू में मुझे चीख सुहाई कौन। इस अनहोनी के आगे हिंद का झुका भाल देख के मैं जज साहब तंग होगी। माया का हाल देख के मैं जज साहब तंग होगी। माया का हाल देख के लगती जब दवा धाव पे ये दहाड़ मार रोवे थी, गुप्तन के दुख से माया ना सुख से सो पावे थी। हाँ मेरी रंग में भर गई काया, इसका तन घाल देख के मैं जज साहब तंग होगी।
आंखों में आंसू भर लाई और कवि की कलम भी किस प्रकार से गम के बोल लिखने लगी। क्यों या भला मेरी रंज में भर की काया इसका तन घाल, कहने लगी कि जज साहब इस तरह से अगर आपके कानून ने आपने कोई अच्छा कानून नहीं बनाया तो इस भारत देश में न जाने कितनी माया कितनी मायाओं की इसी प्रकार से दुर्दशा होगी। क्या कहने लगी हाँ धर्म वीर गीत तने गम के जिंदगी भर गाने होंगे, आवे जब याद कहानी न्यूहे आंसू बहाने होंगे। हो घड़ी खोटी कहर की सर पे घड़ी जुलम कमाल देख के मैं जज साहब तंग होगी, माया का हाल देख के मैं जज साहब तंग होगी, माया का हाल देख के। मेरे मेहरबानों, माया त्यागी ने कहा कि जज साहब मुझे अब भारत के संविधान और आपके कानून पर और आपकी दी हुई सजा का कोई विश्वास नहीं है। प्रेमी सज्जनों अपनी बीती हुई कहानी उन खड़े हुए अपराधियों के सामने किस प्रकार से सुनाती है, आइए सुनते हैं श्रागिनी के माध्यम से। अरे मेरा घुट घुट आवे सांस राम की सू, मेरा घुट घुट आवे सांस राम की सू, हो हो मन नहीं रहा विश्वास राम की सू, मेरा घुट घुट आवे सांस राम की सू। आवे सा
सरकार हुआ, माया की किस्मत का सारे भारत में प्रचार हुआ, साफ साफ कहरी मेरा ना सपना साकार हुआ। बागपत के मायात्याई कांड की भाग नंबर 3 की ये आखिरी पेशकश आपकी सेवा में पेश है कि जज साहब श्री विष्णुदत्त दुबे ने अपनी अदालत में उन सभी को सजा सुना दी, लेकिन माया को बताया कि माया मेरी कलम से लिखी सजा इन्हें भोगनी पड़ेगी। भारत का कानून अंधा नहीं है और जज श्री विष्णुदत्त दुबे क्या कहने लगे, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। हे रे मेरी कलम की लिखी सजा ने काटनी होगी, करे कर्म की बात इन्हें ना नाटनी होगी, करे कर्म की बात इन्हें ना नाटनी होगी। भला मेरी कलम की लिखी सजा इन्हें काटनी होगी, करे कर्म की बात इन्हें ना नाटनी होगी। हाँ, करे कर्म की बात इन्हें ना नाटनी होगी। करे से नर मरता ना मारे से मरता है, हो मेरी अदालत का हित में हर जीव जिक्र करता है। लिख दई सजा चढ़ी सी से कजा कानून नहीं डरता है, बागपत चोराए पे एक वीर के वस्त्र तारेना। बेहोश समझ अब लाग के प्रति अरे मन में बुरी धारणा, इन सजा मौत की थोड़ी है बचने की कोई सारना, दरगाह तक भी अपार
योगी करे कर्म की बात इन्हें ना नाटनी होगी। और आखिर में ये बताया भला अचानक बाणी आठ साल से तड़प रही थी जैसे मीन बिना हो पानी। अरे जज साहब की इसरत सजा मन भाई पड़ गई आज सुनानी। कै सुखपाल जी पे दुख यो विपता भरी कहानी। अरे मेरी कलम की लिखी सजा इन्हें काटनी होगी। करे कर्म की बात इन्हें ना नाटनी होगी। मेरे मेहरबानों, आप सभी श्रोताओं की मांग पर चंदा कैसेट के माध्यम से ये बागपत का माया त्यागी कांड का भाग नंबर 3 आपकी सेवा में पेश किया गया, जिसके लेखक थे गुरुजी धर्मवीर पावले वाले और गायक थे पंडित रामोतार शर्मा। संगीत दिया था मास्टर हंसराज जी ने और जिसकी मीठी मीठी रिकॉर्डिंग की है छोटे भाई मुशर्रत अली ने। मेरे मेहरबानों, आपको एक बात बता दूं कि माया त्यागी कांड में इन सभी मुजरिमों को उम्र कैद की सजा जज श्री विष्णुदत्त दुबे ने सुनाई थी, जो आज तक भी ये जेल के अंदर बंद है। और आगे परमात्मा ने चाहा तो इन सभी अपराधी जेल के अंदर ही सड़कर मर जाएंगे। वैसे तो इन्होंने उच्च न्यायालय में अपील कर रखी है और अगर उच्च न्यायालय ने इनको कुछ बख्शीश दी तो हम आपकी सेवा में फिर चौथा भाग लेकर आएंगे, वरना यहीं पर जय हिंद जय भारत हो जाएगी।